पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा राना सनाउल्ला ने कहा है कि तहरीक इंसाफ की क़यादत मुज़ाकरात करे तो बानी पीटीआई की रिहाई मुमकिन हो सकती है। इस हवाले से अरकीन पार्लियामेंट क्या कहते हैं, आइए जानते हैं मापारा जमान से। राना सनाउल्ला कहते हैं कि तहरीक इंसाफ अगर हुकूमत से बात करे तो बानी पीटीआई की रिहाई कोई बड़ी बात नहीं। क्या हुकूमत ने बैकग्राउंड में इस तरह की हिकमत अमली पर गौर करने की कोशिश की है या नहीं, आइए जानते हैं अरकीन पार्लियामेंट से। इसका मतलब है कि जो उनके ऊपर केसेस हैं, जो 31 साल की रातों रात उनको सज़ा दी गई, इसका मतलब है कि वो असल सज़ा नहीं है। इसका मतलब है कि वो झूठे केसेस हैं। इसका मतलब है कि हमारी बात की तो तस्दीक होगी। आप हथकड़ियों में डाल के कौन सी जो है आपके मुज़ाकरात होते हैं? अगर हुकूमत इस मामलात में सीरियस है, इमरान खान साहब को रिलीज़ करे, असीरान को रिहा करे, उसके बाद बात होगी। राना साहब के बयान का मतलब ये है कि खान साहब की रिहाई के बदले मैंडेट की चोरी भूल जाएँ तो ये मुमकिन नहीं है। पीटीआई के वोट बैंक से हम इनकार नहीं कर सकते, उनकी जो नुमाइंदगी उससे हम इनकार नहीं कर सकते। तो ये वाली जो बात है इसमें वजन है मेरे ख्याल में, और इंगेज तो करना होगा, आज नहीं तो कल। राना साहब ने अगर ये कहा है तो बहुत खुशाइन बात है, लेकिन हम खुद पार्लियामेंटेरियंस भी चाहते हैं कि मुल्क के अंदर इस्तेहकाम आए, अमन आए, माशी तरक्की हो, बेरोज़गारी का खात्मा हो। एक मफाहमत की बात है तो उसमें वैसे तो रिहा तो कोर्ट ने करना है, लेकिन गवर्नमेंट की तरफ से तो पहले भी कोई इसमें ऐसा इशू नहीं है। हम इमरान खान की रिहाई की या अपने केसेस माफ़ कराने की किसी से भीख नहीं मांगते। हमने ये फैसला अल्लाह सुबहान व तआला के सामने छोड़ दिया है। लेकिन हुकूमत ने तो बात नहीं की, लेकिन वो करना चाहते हैं तो हुकूमत हर वक्त तैयार रहती है। हुकूमती अराकीन का कहना है कि हुकूमत पहल करेगी, लेकिन अपोजिशन को मुस्बत रवैया अपनाना होगा। कैमरामैन इब्न अमीन के साथ मापारा जमान, बोल न्यूज़, पार्लियामेंट हाउस, इस्लामाबाद। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।